रानी जिसने 108 प्रकार के अस्त्रों पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे व्यक्ति भगवान बुद्ध थे। भगवान सम्यक संबुद्ध के शरीर के अंग प्रत्यंग को उपमा अलंकार से शोभित कर कवि श्रेष्ठ ने उनके श्रावकों की प्रशंसा करते हुए इस सूक्त द्वारा परित्राण की भावना की गई है। भगवान बुद्ध समस्त मानवीय गुणों की खान थे। वे सभी प्रकार के आसुओं पर विजय कर सद्गुणों के स्वामी बने थे। उन्होंने केवल गुण की अर्जित नहीं किए अपितु समस्त मानवीय गुणों की पराकाष्ठा उनमें फूट फूट कर भरी हुई थी। इसी कारण वे सारे संसार की ओर से बार बार कोटि बार नमन के अधिकारी हैं। हाँ वही है ना, हिंदी में ही है। हाँ पढ़ी। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ अभिधम्मत्थ संग्रहों के अनुसार बौद्ध धर्म में प्रश्न के 108 प्रभेद बताए गए हैं, जो 108 प्रकार की प्रश्नाओं से ऊपर हो जाता है। बौद्ध धर्म में उसे ही 108 माना जाता था। ये प्रश्नाएं प्रश्ना समुदय सत्य में आती हैं, जो त्रिविध है, काम तृष्णा, भव तृष्णा एवं विभव तृष्णा। इन तीनों तृष्णाओं में प्रत्येक के 6 आलम्बन होते हैं, अतः इन तीनों को 6 आलम्बनों से गुणा करने पर ये 18 प्रकार की हो जाती हैं। फिर ये 18 भी अतीत अनागत एवं प्रत्युत्पन्न भेद से भिन्न हो जाने पर 54 हो जाती हैं। ये 54 तृष्णाएँ भी आध्यात्मिक तथा वाहन भेद से विवृत हो जाने पर भी 108 प्रकार की हो जाती हैं। जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने जिन वीरों ने